मणिपुर जैसी घटना बिहार में भी देखने को मिली है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं को निरस्त करके घुमाया गया था, उसको लेकर के संसद में तमाम हंगामा भी हुआ, वहीं अब जिस तरीके से बिहार के खुसरूपुर में भी मणिपुर जैसी घटना देखने को मिली और वहां से खबरें निकल के आ रही कि एक महिला के ऊपर पेशाब किया गया, निरस्त घुमाया गया, उसको लेकर के अब पुलिस प्रशासन भी एक्टिव हो गई। हालांकि 48 घंटे के बाद FIR किया गया, लेकिन अभी भी जो अपराधी यानी जिसके ऊपर आरोप है वो अभी भी पुलिस के गिरफ्तारी से बाहर है। उनके बेटे को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। वो इसको लेकर के बिहार सरकार के मंत्री हैं जमा खान ने कहा है कि बिहार सरकार सभी तरह के बिंदुओं पर जांच कर रही है, जो भी उचित कार्रवाई किया जाएगा। बिहार में यानी सब कुछ ठीक है, जनता का राज है, जनता का राज यानी सरकार के द्वारा बार बार बताया जा रहा है, लेकिन ये किस तरीके का जनता राज है बीजेपी के द्वारा भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पहले सुनवाते हैं जमा का क्या कुछ कह रहे हैं। हमारी सरकार बराबर इस पे हमेशा ये निर्णय उन्होंने लिया है कि जो भी गलत लोग हों, किसी समाज से बिलोंग करते हों, पार्टी से बिलोंग करते हों, बहुत रसूख वाले हों, बड़े लोग हैं लेकिन बचते नहीं हैं, बचेंगे नहीं। हमारी सरकार, हमारे नेता राजेंद्र कुमार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो हर कोने में नज़र भी रखते हैं। जो आपने बताया है ये जानकारी हमारे नेता को भी हुई, जाँच चल रही है। अगर कहाँ जहाँ भी ये ऐसा वारदात बिहार के अंदर हुआ होगा, आपने देखा होगा, अब छिपा हुआ नहीं है, वो क्लियरेंस होने के बाद कोई भी रहा होगा, बड़ा नेता का संबंध रहा होगा, खुद बड़ा नेता रहा होगा, बचता नहीं, कार्रवाई की जाती है। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों जो ने किया है उसे जांच चल रही है, जो व्यक्ति होगा जो ऐसा किया होगा तो कार्रवाई की जाएगी, कड़ा से कड़ा कार्रवाई की जाएगी। लगातार दूसरी घटना है सर, मैं बता दिया आपको कि जो अब देखिए हम बता रहे हैं, हम ही आपके बीच में से वो लोग निकलता है, असमय तो निकलता है, हमारे बीच से निकलता है, आपके बीच से निकलता है। हमारा नेता का नेचर है हमेशा रहा है कि अच्छे काम करिए, अच्छे काम लोग जाने जाते हैं चाहते हैं, लेकिन उसी में से जो लोग कुछ ऐसे लोग हैं जिस पर आपकी हमारी नज़र नहीं पड़ पाती, गलत कर देते हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग रखना चाहिए कि ऐसे लोग बचे ना पाए, किसी के रुसूख वाले हों, बड़े लोग हों, संबंधित हों, बचना नहीं चाहिए। हमारी सरकार हमेशा पर नज़र रखती है, आपसे छिपा हुआ नहीं है, आप मीडिया के मेरे साथी हैं, आप सब जानते हैं वो कोई होगा, और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे, कार्रवाई करी। तो आपने सुना किस तरीके से जमा खाने साफ साफ इनकार कर दिए है कि जो भी है वहाँ पर दोषी है उनको कार्रवाई किया जाएगा, और बिहार पुलिस एक्टिव है। उनका साफ साफ कहना है कि बिहार सरकार पूरी तरीके से सजग है, इस ऐसी घटना को लेकर के हम लोग पूरी तरीके से तत्पर है और बिहार सरकार सबको न्याय दिलाएगी, यहाँ पर जनता का राज है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।